सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा तय हो गई। आज सगाई, बड़े ही अच्छे घर का और पढ़ा लिखा लड़का मिला है उसे। आपको न्योता देने आई। वैसे पैसों से बड़े और दिल के छोटे लोग हमने कई देखे, लेकिन ये दोनों मायनों में बड़ा है। मैंने तुझे चिमटी नहीं मारी ना, इसलिए तुझे और बुरा है ना? ये मानव दामन मैकेनिकल इंजीनियर है, थाना में बहुत बड़ा गैराज है। अर्जू के लिए हम जैसा लड़का ढूंढ रहे थे ना, बिल्कुल वैसा ही है। सुलोचना, अरे जल्दी भी करो, पंडित जी हमें बुला रहे हैं। आज हमारे घर कितनी सारी खुशियां आई हैं। हमें इसी दिन का इंतजार था ना? मुझे तो ये सब कुछ एक सपने सा लग रहा है। इतने कम समय में इतने अच्छे लड़के के साथ हमारी अर्जू की शादी। सुलोचना, अब क्या हुआ है तुम्हें? आपसे एक बात कहनी थी। आज जब मैं रसिका ताई के घर न्योता देने गई थी, तो उन्होंने फिर से एक बार सतीश और अर्चना के टूटे हुए रिश्ते को लेकर। मुझे पता था सुलोचना, वहां ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं तुम्हें वहां जाने से मना कर रहा था, लेकिन तुम ही थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने जो कहा उसका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन एक बात का नए सिरे से एहसास हुआ। सुलोचना, उस टूटे हुए रिश्ते का साया अब भी अर्चना की जिंदगी पर मंडरा रहा, और आगे जाकर भी अगर। फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? मानव और उसके घर वाले इस बात को जानते हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अभी नहीं है, लेकिन लोग अगर इस बात को बार बार दोहराते रहे तो फिर आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सुलोचना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जरा सोचो, सतीश के साथ रिश्ता जब टूटा था, तुम्हीं ने तो कहा था कि लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरी बेटी गलत नहीं है। मानव जैसा एक अच्छा लड़का हमारा दामाद बनने जा रहा है। मुझे तो लगता है कि सतीश से कई गुना ज्यादा मानव हमारे अर्जु के लिए सही है। एक पल के लिए तुम मानव का पैसा, उसकी रेपुटेशन, उसकी डिग्री, उसे भुलाकर उसके बारे में सोचो। मानव एक अच्छा इंसान है सुलोचना, उसका चरित्र, उसकी सुलझ, उसकी सोच, अरे यही बातें तो है हमारे अर्जु और मानव के ग्रह गृहस्थी को वो सुखी बनाएंगे। मानव हमारे अर्चना से प्यार करता है, उसमें विश्वास रखता है। हमारे अर्जु के साथ कोई नहीं, उस वक्त मानव उसके साथ था, सिर्फ मानव। अच्छा जीवन साथी हमारी अर्चना को मिले, यही तो चाहते थे ना हम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो गणपति बापा की कृपा है कि उन्होंने मानव जैसा दामाद हमें दिया। और वैसे भी इस बार गलत लड़के का मिलना और रिश्ता टूटना अर्चू बर्दाश्त नहीं कर पाती। शायद आई सही।
वो लोग मुझे पसंद करते हैं। मेरा मैकेनिकल इंजीनियर होना या फिर गैरेज का मालिक होना उनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। उन्होंने मुझ में कुछ गुण देखे और फिर मुझे चुना अर्चना के लिए। अब अगर मैं कुछ गलत कदम उठाता हूँ तो नहीं, नहीं मैं अर्चना को दूसरी बार शादी टूटने के सदमे नहीं दे सकता। लड़की को तू एक नजर देखने के लिए तरसता था, आज वो लड़की नजरें बिछाए बैठी है तेरे इंतजार में। आई और तरुण सही थे, अगर किस्मत को ये मंजूर है तो मैं वर्षों से लड़की को बुलाया जाए, यहाँ पर बैठना है। ओम श्री गणेशाय नमः। सुलोचना दी, अभिनंदन। अभी सगाई की रस्म शुरू हो ही रही है और मैं हाजिर हूँ। मैंने आपसे वादा किया था मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगी और मैंने अपना वादा निभा लिया है। अर्चना की सगाई आपके लिए जितनी खास है उतनी मेरे लिए भी तो खास है। आप बैठिए ना, बैठिए। चलो मानव जी को भी शगुन के कपड़े दिए जाए। दोनों को शगुन के कपड़े पहनकर आना है। कमरा तो एक ही है। सुलोचना, ये हमारे घर तैयार होंगे। चलो चलो बेटा। आई मैं जीजू को लेके जाती हूँ। बाबा ले जाएंगे। सविता, सचिन कहाँ है? ये तुम्हारा होनहार बेटा लड़की वालों के सामने हमारी नाक कटवाएगा। मिठाई और बर्फी लेने को गया है। अभी थोड़ी देर में सगाई की रस्में शुरू हो जाएगी। कब आएगा वो? आता ही होगा ना। लगता तो है यही घर। अरे बाप रे, साला पत्ते खेलते खेलते बहुत देर हो गया। आज आई तो मेरी पैंट बचा देगी यार। वाकई ये पत्ते खेलना ना बहुत बुरा काम है, लेकिन क्या करूं, सारी छुट्टी नहीं। सचिन इतना लेट क्यों तू? बाबा वो फ्रेश पेड़े नहीं मिल रहे थे इसलिए लेट हो गया। सब सामान लेके आया? हाँ, ले पानी ले।
ये खोसट बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? आई वो? अरे वो मानव की सास है। सुनते ना ताई, एक मिनट आई। ये मेरा जी शायद खाने चला गया। मैं अभी आई। अरे बच गया यार, अगर आज जो बुढ़िया ने मुझे देख लिया होता ना, तो खैर ही नहीं थी। बैंड तो बस्ती बस्ती, साथ में शादी भी टूट जाती यार। अरे बुढ़िया, अब तू ज्यादा बोल रही, और ये फिल्म के ना घिसे पीटे डायलॉग बोल के ना मेरी दिमाग की दही मत कर। और वैसे मैंने तुझे चिमटी नहीं मारी ना, इसलिए तुझे और बुरा लग रहा है। अरे यार, पूरे शहर में मुझे यही लड़की मिली जो चिमटी मार रही है। सेटअप में तो नसीब ही खराब है। एक तो शाम से चूहे कूद रहे मेरे पेट में, ऊपर से इतना अच्छा मिठाई, अब रहा नहीं जाता। अरे वो यूनिफॉर्म, इधर आओ। आप मेरे को पहचानते हो मैं कौन? नहीं ना। अरे मैं दूल्हे का भाई हूँ यार, कुछ तो रिस्पेक्ट करो। लाओ ये दो मुझे, जाओ मिठाई। तुम मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। अब रुक जाओ तो। आई 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 आई। अरे क्या हुआ? अरे अरे तुम यहां तक आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक थप्पड़ खाकर तुम्हारा जी नहीं भरा इसलिए वापस चले आए। अरे लेकिन मैं क्या मैं हाँ क्या मैं लगा रखी है? जल्दी बोलो क्यों आए हो यहाँ? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं अपने बेटे को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। जल्दी बताओ तुम यहाँ कैसे आ गए, किस इरादे से आए थे बताओ? तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें अभी हुआ सुलझना था। कुछ नहीं, देखिए ना ये वाहियात मवाली लड़का पता नहीं कैसे हमारे घर घुस आया। अगर मवाली? हाँ, आज शाम को मैं और वैशाली जब बाजार से लौट रहे थे, इस लड़के ने वैशाली के साथ गलत हरकत की। जी मुझे तो आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है, और तभी मैंने उसे रास्ते में ही थप्पड़ मारा था। लेकिन ये लड़का उससे भी बाज नहीं आया, यहाँ घर तक चला आया। मुझे तो ऐसे वाहियात लड़कों से सख्त नफरत है। पता नहीं ये अपने घरों में क्या क्या सीख कर आते हैं, कैसे संस्कार देते हैं इनके माँ बाप। इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, इनके साथ साथ इनके माँ बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों का ख्याल करते हुए मैं मेरा मुंह बंद रखती हूँ, लेकिन कोई लड़का किसी लड़की को बेइज्जत करता मैं सह नहीं सकती। तुझे शर्म नहीं आती किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए? आपने इसे जोर से चाटा मारा ना, अच्छा किया। इसे और ज्यादा पूरी सजा देनी चाहिए। देखता क्या है तू खड़ा क्यों है यहाँ? निकल जा खड़ा क्यों है यहाँ? चुपचाप निकाल। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये मवाली लोग आते हैं। जी चलिए सविता जी अंदर चलिए। आज अगर घर में फंक्शन नहीं होता ना तो मैं दिखा देती उस लड़की को।
बच गए। पता नहीं शादी के फेरों तक और क्या क्या होने वाला है। एक लफड़े से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरा सामने आधा मंगता है। आज तो सचिन ने मेरे सारे सपनों का राम नाम सत्य कर दिया था। और कुछ देर वो यहाँ रुकता तो इस घर से हमारी ऐसी बारात निकलती। पापा, तुम्हारे भरोसे फिर से अंदर जा रही हूँ। मेरे झूठ की लाज रखना। सुलोचना दे, कितनी अच्छी जोड़ी दिख रही है ना। चलो एक फोटो खिंचवाते हैं। हाँ हाँ जरूर लेंगे। ये फोटो मेरे लिए बहुत खास है सुलोचना। ये तेरी बेटी की बदनसीबी की तस्वीर है। इसकी बड़ी सी फ्रेम बनाकर गिफ्ट कराऊंगी मैं तुझे, ताकि तू जिंदगी भर इसे देख देख कर रोती रहे और उस पल को कोसती रहे जब तूने अपनी बेटी के लिए इस गरीब मैकेनिक को चुना था। अरे तरुण, अच्छा हो गया तू है। मानो एक काम कर, तुम दोनों जाओ और तेरे शादी के कार्ड का डिजाइन सिलेक्ट कर दिया। मुझे नहीं आता इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ ना। नहीं तो एक काम कर, मेरे पास दो तीन कार्ड है, उसमें से अच्छा वाला दे और वो सिलेक्ट करना, मैं लेके आती हूँ। ये आई, मुझे ये सब नहीं आता। मुझे नहीं आता। तू भी किससे किस बात की उम्मीद करती हो? हाँ, आज तक उसने खुद के बारे में कभी सोचा जो आज इस मामले में सोचेगा? मुझे तो लगता है शादी के बाद में तेरी सब पसंद नापसंद की जिम्मेदारी तेरी बीवी को ही उठानी पड़ेगी। ये देखा है सगर, तू अर्चना को ही साथ लेके जाओ और तेरी शादी का कार्ड फाइनल कर। काका, मैं और वो एक साथ? दादा सही कह रहे, लड़की की तरह क्या शर्मा रहा है। वरना मैं एक काम करती हूँ, सुलोचना ताई को फोन करके अर्चना को तेरे साथ भेजने को बोलती हूँ। काका,
अरे मानो कार्ड का तो एक बहाना है, बस इस बहाने तुम घूमने जाओ फिरने जाओ, बातें हो सकती है। अरे कम्मत से याद तक सगी चल जाओ। क्या बात है, आज साहबजादे डेट पे जा रहे हैं हाँ? किसी अच्छी जगह लेके जाना मोहिनी को, समझा? यार यार मैं भी चाहता हूँ कि उसको एक बहुत अच्छी जगह लेके जाऊं, उसे एहसास दिलाऊं कि वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी जगह जो हम दोनों को हमेशा याद रहे। लेकिन ऐसी कोई जगह मालूम नहीं है ना, मैं बताता हूँ, डोंट वरी, मेरे को 5-5 अफेयर्स का एक्सपीरियंस है। देख मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट का पता बताता हूँ, बिंदास जा वहाँ पे, मेरी गाड़ी लेके जाना। अरे गाड़ी क्यों? तेरा फिर नाटक शुरू हो गया, पकड़ना। अरे अच्छे कपड़े पहन के जाएगा, अपनी सारी सेविंग्स इस डेट पे लुटाएगा, तो क्या गाड़ी नहीं लेके जा सकता? बिंदास लेके जाना। और सुन हीरो, ये तेरे लिए नहीं है, ये वहीनी के आराम के लिए, समझा? हाँ हाँ, तरुण सही कह रहा है, अर्चना को शादी से पहले खुश रखना बहुत जरूरी है। मतलब है? मतलब बेटा, शादी और सगाई के बीच में जो दिन आते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत होते हैं, उसे बहुत अच्छी तरह एंजॉय करना चाहिए। तुम दोनों अच्छी तरह एंजॉय करोगे तो शादी के बाद तुम्हारे जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। सनी तू इतना क्या सोच रहा है? देख तू रश्मि से बात कर ले, और तुम लोगों को शो का जो टाइमिंग ठीक लगता है तुम फाइनल करो। अच्छा मैं ऑफिस आके तुमसे बात करती हूँ। चल मैं फोन रखती हूँ, दादा के फोन से फोन करो, ओके? चल बाय। अरे निकते चल बाय। ये लड़कियां भी ना, चाय का ग्लास यहीं छोड़कर। पिक्चर का वर्षा ने फिर से पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया, और वो भी रात का शो। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां